धोने धोने के किरदार में आप इन एक्ट्रेसेस को रैंक करें फ्रॉम वन फ्रॉम लाइक यू नो फ्रॉम यार मैं आप क्रिटिक हैं भाई क्योंकि मुझे लगता है वो रोती बहुत अच्छा है ठीक है और हिबा नंबर टू हाँ नीलम है नीलम महरा और हीरा हीरा माहिरा को मैंने ऐसे रोते हुए नहीं देखा है ये सिर्फ रोने की बात हो रही है तो माहिरा को मैंने इस तरह रोते हुए नहीं देखा हाँ मैंने हीरा को देखा है हीरा अच्छा रोती है सो तीसरे नंबर पे हीरा देन नीलम एंड फिर माहिरा ठीक है तो सजल बड़ा कमाल रोती है ठीक है हाँ ओके शादी के बाद फैसल कुरैशी ने आने वाली तीन बड़ी तब्दीलियाँ आपके अंदर आने वाली तीन बड़ी तब्दीलियाँ एक तो सबसे बड़ी तब्दीली है रात को जल्दी सोता हूँ सुबह जल्दी उठता हूँ ये दो बड़ी बहुत मेजर तब्दीलियां हैं मेरी ज़िंदगी में वरना पहले तो ये होता था कि पता ही नहीं होता था कि दिन कब है और रात कब है तो ये एक सबसे बड़ी तब्दीली मेरी ज़िंदगी में शादी के बाद ये आई कि मैं रात को 11 बजे तक सो जाता हूँ 11:30 और सुबह मैं 7 बजे उठ जाता हूँ अंटिल अनलेस सुबह छुट्टी हो बच्चों ने स्कूल ना जाना हो तो अगर हम जाग लिए तो जाग लिए अदरवाइज़ मैं नहीं जागता और सबसे तीसरी जो बड़ी तब्दीली है मैं बहुत फोकस हो गया हूँ और मैं पैसे बचा रहा हूँ शादी के बाद आप पैसे बचा रहे हैं हाँ ठीक है अपने ऊपर खर्च करें सारी गुची शुची प्राडा शाडा पे वो तो इजाजत है उसकी ठीक है हाँ इन लड़कों को फिटनेस के हिसाब से रैंक करें सबसे पहला नाम हुमायूं सईद दूसरा नाम फिरोज खान तीसरा नाम नवीद रजा चौथा नाम दानिश तैमूर पांचवा नाम फहद मुस्तफा यार ये बड़ा मुश्किल है आपने नाम गलत रखे हैं बिकॉज देखें दानिश भी बहुत फिट है फिरोज़ भी बहुत फिट है नवीद भी बहुत फिट है और हमारा फहद और हुमायूं फहद कितना फिट है यार और हुमायूं सईद हुमायूं जब चाहता है तब फिट हो जाता है क्योंकि जब वो काम कर रहा होता है तब वो फिट होता है और जब वो काम नहीं कर रहा होता वो अपने आप को छोड़ देता है कि मैं इंजॉय भी ना करूँ जिंदगी ये भी सही बात है हाँ तो सही है नंबर वन यार बड़ा मुश्किल है नंबर वन पे चारों और फिर हुमायूं आपने इन सारे सवालों का यस और नो में जवाब देना है हैव यू एवर चीटेड इन लाइफ इन व्हाट सेंस लाइक अच्छा इन एनी सेंस चीटेड यस यू हैव चीटेड इन लाइफ इन व्हाट सेंस खाने में अच्छा खाने में चीट डेज ओके ओके हैव यू एवर लाइड टू डिच अ प्लान हाँ हाँ ऑफ कोर्स ठीक है कभी आपने किसी अपने दोस्त का सोशल मीडिया अकाउंट यूज किया हो टू स्टॉक एन एक्टर नेवर अपने अकाउंट यूज करते हैं स्टॉक करने के लिए नेवर स्टॉक करते ही नहीं किसी नहीं. को ओके हैव यू एवर फेक्ड अ फोन कॉल टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन फेक फोन कॉल लाइक आपने फोन उठा लिया कि हाँ हेलो सॉरी मैं no. आपसे वो तो ऐसे ऐसे हम करते हैं चीजें हाँ जी कौन बोल रहा है ये भी कर देते हैं अच्छा हाँ साहब तो नहीं है थोड़ी देर के बाद कर ले तो बंद कर दी अच्छा कभी आपने वुमेन टॉयलेट यूज किया हाँ इमरजेंसी में बाहर एक लड़के को खड़ा करके यार खड़ा रहे कोई भी नहीं है मैं हो आता हूं किस तरह के रोल करने से मना कर देंगे चाहे पैसे जितने मर्जी ऑफर हो पेडोफेलिया टाइप कैरेक्टर्स मैं नहीं करना चाहता इसी वजह से मैंने एक सीरियल छोड़ा था और फिर मैंने हैवान किया था लेकिन हैवान वॉज अ गिल्ट ट्रिप तो मैंने इसलिए किया था कि नथिंग हैपेंड और ये जो इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और दूसरे शायद तो जो क्या कहूँगा मैं यही एक सबसे बड़ा रीज़न पर्सनली अनकम्फर्टेबल हाँ मैं बहुत तकलीफ़ में रहा हूँ हैवान करते हुए मैं बहुत तकलीफ़ में रहा हूँ और जो उस लोग थे सेट पे उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है ठीक है